गुड डे स्टूडेंट्स, आज हम इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी यानी कि औद्योगिक मनोविज्ञान जो अप्लाइड साइकोलॉजी का सेक्शन 3 है उसके ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। जो दिए गए पॉइंट्स के आधार पर आज हम इस लेक्चर को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला होगा मीनिंग नेचर एंड स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, टाइम एंड मोशन स्टडी, साइंटिफिक मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल मोरल क्या है, परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, उसके क्या लाभ होते हैं, मोटिवेशन और जॉब सेटिस्फेक्शन क्या है, जॉब सेटिस्फेक्शन का क्या लाभ है और कैसे वो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में उसका महत्व है, मोनोटोनी क्या है, एक रास्ता क्या है, बोर्डम क्या है और इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स क्या है, इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं तो वो एक्सीडेंट्स भी होते हैं तो वो क्या होते हैं, किस ढंग से होते हैं, उसका शॉर्ट ब्रीफिंग करेंगे इस लेक्चर के माध्यम से आज के। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले ये जाना है कि मीनिंग क्या है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। तो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी अप्लाइज द थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजी टू द वर्कप्लेस। तो वर्कप्लेस में साइकोलॉजी की थ्योरीज का जब एप्लीकेशन होता है, यूज होता है, उसको इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी भी कहा जाता है, जिसको हिंदी में औद्योगिक या संगठनात्मक मनोविज्ञान उसको हम कहते हैं। तो जो साइकोलॉजी के मेथड्स हैं, साइकोलॉजी की थ्योरीज हैं, उनको अगर हम वर्कप्लेस में, इंडस्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में उसको यूज़ करें तो उसको इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में उसको अध्ययन किया जाता है, पढ़ा जाता है। तो उसका जो पर्पज है टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बाय प्रायोरिटाइजिंग द मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल एम्प्लॉयज। तो इसका जो उद्देश्य है वो यही है कि तो प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाएगा, कि मेंटल और फिजिकल हेल्थ जो है ऑर्गेनाइजेशनल एम्प्लॉयज़ का बढ़ाने के द्वारा प्रोडक्टिविटी को और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी वेलनेस को बढ़ाना इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का उद्देश्य है। क्योंकि मेंटल हेल्थ साइकोलॉजी मेथड्स, स्ट्रेस रिलीजिंग मेथड्स, जो भी साइकोलॉजी के मेथड्स से अगर मेंटल हेल्थ सुदृढ़ होगा एम्प्लॉयज़ का, तो जाहिर सी बात है फिजिकल हेल्थ में भी उनका सुधार देखने को मिलेगा। क्योंकि एक फेमस कहावत है, नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ के बिना हेल्थ की कल्पना सार्थक नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि मेंटल हेल्थ को इंक्रीज करके, फिजिकल हेल्थ को इंक्रीज करके, एक इंडस्ट्री में प्रोडक्टिविटी की तो बढ़त होती है, साथ साथ वेलबींग की भी, उनकी वेलनेस की भी बढ़ोतरी होती है ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में, एम्प्लॉयज के बीच में। तो यहाँ पर यह बात है, तो प्रोफेशनल्स इन द फील्ड एनालाइज द एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज व्हाइल दे आर एट वर्क एंड आइडेंटिफाई एरियाज इन विच न्यू प्रोसीजर्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कुड बी बेनिफिशियल। तो ठीक है, जो नए कैसे ऐसे एरियाज हैं या ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं जो इससे लोगों को फायदा पहुंचे, ये सब इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में अध्ययन करते हैं, ये इसका उद्देश्य है। इट इज डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट द एग्जैक्ट ओरिजिन्स ऑफ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, विद सम एक्सपर्ट स्टेटिंग दैट द फील्ड इमर्ज इन द 1800s एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। तो इनका कहना है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के रिजल्ट के रूप में इसकी शुरुआत हुई है 1800वें सन में। विच पायोनियर्स द फील्ड इंक्लूडिंग ह्यूगो मुस्टरवर्थ, जो मुस्टरवर्थ थे, अप्लाइड साइकोलॉजी से ही जुड़े हैं, वॉल्टर डिल स्कॉट एंड जेम्स मैकिन कैटेल। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी वॉज ब्रॉट इन टू शार्पर फोकस बाई वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, एट विच द विच टाइम साइकोलॉजिस्ट वेर कॉल्ड अपॉन टू एवेल्युएट द मेंटल एबिलिटीज ऑफ रिक्रूट्स। तो वहीं से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद से अप्लाइड साइकोलॉजी की शुरुआत हमने कही थी। एक तो जो रिक्रूट्स हैं, जो जिनको भर्ती की जाए वहाँ पर, वो उनकी मेंटल एबिलिटीज़ का पता करने के लिए वो सब साइकोलॉजिकल थ्योरीज की आवश्यकता पड़ी। उसके बाद जो तो वो सब उसमें इंडस्ट्रियल भी है, उसमें अप्लाइड भी है, उसमें क्लिनिकल का भी रोल है वहाँ पर, तो सारी ही बातें हैं। तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का भी यहाँ पर उद्गम देखने को मिलता है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद में। तो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट अप्लाइज साइकोलॉजिकल थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स टू ऑर्गेनाइजेशंस। तो साइकोलॉजिकल थ्योरीज, और जैसा कि हमने डिस्कस किया, तो दूसरे अर्थ में उसको अगर समझें और सिंपली उसकी बात करें तो
साइकोलॉजिकल थ्योरीज और प्रिंसिपल्स को ऑर्गेनाइजेशन में, संगठनों में, यानी कि इंडस्ट्रीज में जब यूज़ किया जाता है तो उसको इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी कहते हैं। जैसे कि नाम से हम समझ रहे हैं कि इंडस्ट्रियल मतलब इंडस्ट्री में यूज होने वाली साइकोलॉजी है, ठीक। साइकोलॉजी मेथड्स हैं ऑफन रिफर टू एज IO साइकोलॉजी। दिस फील्ड फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी एंड रिलेटेड इशूज सच एज द फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ एम्प्लॉयज। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट परफॉर्म ए वाइड वेराइटी ऑफ टास्क इंक्लूडिंग स्टडिंग वर्कर एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर, इवेल्युएटिंग कंपनीज एंड कंडक्टिंग लीडरशिप ट्रेनिंग। द ओवरऑल गोल ऑफ द फील्ड इज टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड द ह्यूमन इन बिहेवियर इन द वर्क प्लेस। तो इसका यह है कि ह्यूमन बिहेवियर वर्क प्लेस में कैसे, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर भी इसको कहते हैं, OBE भी कहते हैं दूसरे अर्थ में। तो जो वर्क प्लेस में है उसको ह्यूमन बिहेवियर क्या है, कैसे अध्ययन करना, ये सब बातें इसका सब्जेक्ट मैटर है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का। तो आगे इसको पढ़ें तो एरियाज ऑफ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, यानी कि इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के एरियाज क्या है, उसके क्षेत्र क्या है, कहाँ कहाँ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का इस्तेमाल होता है, यूज होता है। सबसे पहला जो है रिक्रूटमेंट, भर्तियों में इसका यूज होता है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का। HR डिपार्टमेंट्स में जो होते हैं वहाँ पर साइकोलॉजिकल थ्योरीज को यूज किया जाता है। सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट, ठीक, तो सिलेक्शन होने में, रिक्रूटमेंट में तो है, तो सिलेक्शन में भी और प्लेसमेंट में भी, इसको प्रमोशन देना है क्या देना है। और एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, कैसे कार्यक्रम चलेगा, कैसे उसके ट्रेनिंग होगी, कैसे डेवलपमेंट होंगे कार्यशैली के, उसमें इसका यूज है। तो ठीक है, रिक्रूटमेंट में हो गया, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट में, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट ट्रेनिंग में हो गया, और चौथा प्रमोशनल स्कीम्स, ठीक है। तो प्रमोशन कैसे होगा, एडवर्टीजमेंट कैसे होंगे, ये सब बातों में इसका यूज है। और पाइप मोटिवेशन, वो कैसे प्रेरणा स्रोत, कैसे प्रेरणा देना है लोगों को काम करने के लिए और उनका वेलबींग वेलनेस सुधारने के लिए, कैसे उसको प्रेरित हो, कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़े, इन सब बातों के लिए इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का यूज है। और सिक्स है एटीट्यूड एंड मोरल के लिए, ठीक, तो उनकी अभिप्रेरणा और उनका मोरल डेवलपमेंट करने के लिए इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का यूज है। तो सेवन्थ वेजेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन में भी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का इस्तेमाल है, कैसे वेजेस दिए जाए, कैसे सैलरी उनकी इस ढंग से डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, उनकी उनमें एक काम करने की ललक भी बनी रहे और उनका वेलनेस भी सुधार हो और एप्टीट्यूड योग्यता के अनुसार उनको सैलरी डिस्ट्रीब्यूट हो, वो सब बातें जो हैं। और एट जो है ह्यूमन रिलेशन, और जो रिलेशनशिप है वो कैसे हो, क्या हो, ये सब बातें इसका है। और एक्सीडेंट प्रिवेंशन, कैसे उन दुर्घटनाओं से बचा जाए और कैसे उसमें कैसे टैकल करना, कैसे उन चीज़ों से उभरना, उसको बेटरली उनको प्रिपेयर करना, ये सब इनके अंदर आते हैं। और द सिक्स स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, तो एरिया की बात तो होगी, अब कहा किसका कैसा विस्तार है सब्जेक्ट का, वो इकोनॉमिक है, ठीक, इकोनॉमिक है, सोशल साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्री, ठीक, पहला तो इकोनॉमिक हो गया, सोशियो साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट्स के हैं, इकोनॉमिक सोशियो साइकोलॉजिकल, ठीक है, तो तीनों ही बातें मैं। और दूसरा स्टडी ऑफ फिजिकल आस्पेक्ट्स ऑफ वर्क एनवायरनमेंट, ठीक, और तीसरा प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, और फोर्थ स्टडी ऑफ एप्टीट्यूड्स एंड मोटिव्स, ठीक है, तो फिफ्थ स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटल हेल्थ, और सिक्स स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशन। तो आपस की ही बातें हैं, उसको नौ रूपों में बताया है। और जो दूसरे योर आर्टिकल लाइब्रेरी डॉट कॉम है, इन्होंने इसको छः रूपों में इसके स्कोप को बताया है। और जनरली जो हम इसका अध्ययन करते हैं एरियाज ऑफ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का, हम नौ रूप में इसको विस्तृत रूप में हम पाते हैं, और छः रूपों में भी कहीं कहीं इसका अध्ययन देखने को मिलता है, इसको उसको डिवाइड किया जाता है अपने सुविधा के अनुसार, अपनी स्टडी मेथड्स के अनुसार उसको पढ़ा समझा जाता है। तो नेक्स्ट की बात अगर हम करें तो इंडस्ट्रियल मोराल क्या है और परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है। मोराल क्या चीज़ है, इंडस्ट्रियल में जो मोराल होता है, मनोबल है, वो क्या है, उसकी कितनी आवश्यकता है, और परफॉर्मेंस उसका अप्रेजल, उसकी प्रशंसा का कितना रोल है और क्या लाभ है, तो ये सब बातें इसमें स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो इंडस्ट्रियल मोराल जो है, ये भी डिफाइंड एज द पोजिशन ऑफ ए फीलिंग ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ बींग एक्सेप्टेड एंड बिलोंगिंग टू ए ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज थ्रू एडहेरेंस टू कॉमन गोल्स एंड कॉन्फिडेंस इन द डिजायबिलिटी ऑफ दीज गोल्स। लेट्स लुक एट द डेफिनेशन मोर क्लोजली, ठीक है। तो
इट कंसिस्ट ऑफ थ्री एस्पेक्ट। तो इंडस्ट्रियल मोरल में तीन चीजें क्या है, उसकी डेफिनेशन है, जो उसकी उसके क्या एस्पेक्ट्स निकल के आते हैं उसमें। जो पहला है, इसको सीधे अर्थ में अगर समझें तो, फीलिंग एक्सेप्टेड बाय वंस वर्क ग्रुप, शेयरिंग कॉमन गोल्स विद वंस वर्क ग्रुप। ठीक है, तो ये सब मनोबल से जुड़ी हुई बातें, इंडस्ट्रियल मोरल से जुड़ी हुई बातें हैं। और थर्ड हैविंग कॉन्फिडेंस इन द डिजायबिलिटी ऑफ दीज गोल्स। ठीक है, तो योर आर्टिकल library.com है, तो ये बताते हैं कि इंडस्ट्रियल मोरल की जो तीन एस्पेक्ट्स हैं, यह इंडस्ट्रियल मोरल इन तीन मेजर एस्पेक्ट से बना हुआ है, जिसमें फीलिंग एक्सेप्टेड बाय वंस वर्क ग्रुप, शेयरिंग कॉमन गोल्स विद वंस वर्क ग्रुप। तो उन कॉमन गोल्स की जो शेयर करना आपस में, उस बात को अपने वर्क ग्रुप में उस बात को साझा करना, वह भी इससे जुड़ा है। और हैविंग कॉन्फिडेंस इन द डिजायबिलिटी ऑफ दीज गोल्स, ठीक, तो उसमें आत्मविश्वास का होना, ये सब बातें इंडस्ट्रियल मोरल से जुड़ी हैं, इन पहलुओं से जुड़ी हैं, ये सब बात इसमें आती हैं। इसका विस्तृत अध्ययन तो अभी संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन ये जनरली इसको समझने के लिए यहाँ पर बताया गया है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि परफॉर्मेंस अप्रेजल इज द सिस्टमैटिक इवेल्युएशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज एंड टू अंडरस्टैंड द एबिलिटीज ऑफ ए पर्सन फॉर फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। परफॉर्मेंस अप्रेजल जनरली डन इन सिस्टमैटिक वेज इन विच आर फॉलो। तो एवेल्यूशन है परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज एंड अंडरस्टैंड एबिलिटीज ऑफ पर्सन ऑफ फर्दर ग्रोथ। तो उसका एवेल्यूशन करना और उसके ग्रोथ के लिए उसको समझना, ये परफॉर्मेंस अप्रेजल से जुड़ी हुई बात है, ग्रोथ के लिए और विकास के लिए एम्प्लॉय के। तो उसमें सिस्टमेटिक एवेल्यूशन है परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल किस ढंग से किया जाता है, उसके तीन यहाँ पर मुख्य बिंदु हैं, जिसमें कि द सुपरवाइजर मीजर्स द पे ऑफ एम्प्लॉय एंड कंपेयर इट विद टारगेट एंड प्लान्स। तो उसमें क्या होता है कि सुपरवाइजर होता है जो उनके पे को और उनके जो टारगेट प्लान्स है उसके आधार पर उसको तुलनात्मक रूप से अध्ययन करके निर्णय लिया जाता है कि भाई जो इनका पे है और उनके जो टारगेट प्लान्स है उनसे कैसे मैच हो रहे हैं। और द सुपरवाइजर एनालाइसिस द फैक्टर्स बिहाइंड वर्क परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज। तो इनके पीछे क्या फैक्टर्स हैं, क्या कारक है जो उनके वर्क को प्रभावित कर रहे हैं, ये सब बात है। और द एम्प्लॉयर्स आर इन पोजिशन टू गाइड द एम्प्लॉयज फॉर द बेटर परफॉर्मेंस। तो एम्प्लॉयर्स जो होते हैं उनके उस स्थिति में होते हैं कि परफॉर्मेंस बढ़ाने को लेके ये सब बातें उनको गाइड कर सके। तो ये सब बातें इसके अंदर होती हैं। तो इंडस्ट्रियल मोरल और परफॉर्मेंस अप्रेजल, तो ये सब बातें इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में जुड़ी हुई हैं, जो कि डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, आपसी बातों को साझा करने के लिए ये सब आवश्यक है। उसको विस्तृत रूप से आप अन्य माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि मोटिवेशन और जॉब सेटिस्फैक्शन। तो मोटिवेशन तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रेरणा का होना, किसी कार्य को करने के प्रति जब हमारे अंदर प्रेरणा होगी तभी हम उस कार्य को करते हैं। और जॉब का सेटिस्फेक्शन का होना भी उसका बहुत आवश्यक होता है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए और वेलबींग के लिए भी आवश्यक होता है एम्प्लॉयज की। तो जॉब सेटिस्फेक्शन क्या है? तो जो जॉब सेटिस्फेक्शन का कॉन्सेप्ट है, जॉब सेटिस्फेक्शन रिफर्स टू द ओवरऑल फीलिंग वन हैज एंड द इवेल्यूएशन वन मेक्स अबाउट वंस जॉब। पीपल विद हाई जॉब सेटिस्फेक्शन हैव सीन ए प्लेजरेबल और पॉजिटिव इमोशनल स्टेट वन दे थिंक अबाउट देयर जॉब और जॉब एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो इन सिंपल टर्म्स दे लाइक देयर जॉब्स, वो अपनी जॉब पसंद करते हैं। सिंस अर्ली स्टडी इन 1930s जॉब सर्टिफिकेशन हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट वाइडली इन्वेस्टिगेटेड कॉन्सेप्ट इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी। इट इज वैल्यूएबल आउटकम इन इट्स ओन राइट, बट ऑल्सो ड्राइवर ऑफ अदर इम्पॉर्टेंट इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन आउटकम्स। द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स सेंट्रल रोल एंड न्यूमरस थ्योरी सच एज दोज कंसर्निंग जॉब डिजाइन, लीडरशिप एंड एम्प्लॉय विदड्रॉल। तो ये सब बातें हैं जॉब सेटिस्फैक्शन का
सबसे ज्यादा वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च जो कॉन्सेप्ट है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का, वन ऑफ द मोस्ट स्टडीड कॉन्सेप्ट है, जॉब सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि इसका प्रभाव इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में, इंडस्ट्री के ग्रोथ में, पर्सनल ग्रोथ में और उनके वेलनेस में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इसकी बात है, तो वो अपना ही इवेल्युएशन है, जॉब सेटिस्फेक्शन है, वो अपने फीलिंग है, अपना व्यक्ति का खुद का इवेल्युएशन होता है, वो जो उसकी जॉब को लेकर वो करता है, इसको जॉब सेटिस्फेक्शन कहते हैं, कि किस रूप में अपने उस जॉब के को इवेल्युएट करता है, पॉजिटिवली करता है कि नेगेटिवली करता है, किस रूप में अपनी जॉब को देखता है या न्यूट्रल उसको मानता है। तो ये सब बातें इसके अंदर सम्मिलित हैं। तो जॉब सेटिस्फेक्शन हैज बीन डिफाइंड एज ए प्लीजरेबल इमोशनल स्टेट रिजल्टिंग फ्रॉम द अप्रेजल ऑफ वंस जॉब एन एफेक्टिव रिएक्शन टू वंस जॉब एंड एन एटीट्यूड टूवर्ड्स वन जॉब। तो वीज जो है विद्वान, उन्होंने माना कि जॉब सेटिस्फेक्शन इज एटीट्यूड बट पॉइंट्स आउट दैट रिसर्चर्स शुड क्लियरली डिस्टिंग्विश द ऑब्जेक्ट्स और कॉग्निटिव इवेल्यूएशन विच आर अफेक्ट इमोशन बिलीव्स एंड बिहेवियर्स। दिस डेफिनेशन सजेस्ट दैट वी फॉर्म एटीट्यूड्स टूवर्ड्स अवर जॉब्स बाय टेकिंग इन टू अकाउंट अवर फीलिंग्स अवर बिलीव्स एंड अवर बिहेवियर्स। तो तीनों ही बात हुआ, एटीट्यूड का, हमारे फीलिंग्स का, हमारे बिहेवियर्स का प्रभाव होता है जॉब सेटिस्फेक्शन में, और जो हम एटीट्यूड डेवलप करते हैं वो हमारी जॉब को लेके हमारा जो एटीट्यूड डेवलप होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव या न्यूट्रल होता है, जैसा भी होता है, वह फीलिंग से, हमारे बिलीफ से और हमारे व्यवहार से निर्धारित होता है, ऐसा विश का मानना है। तो जॉब सेटिस्फेक्शन इज ए पॉजिटिव इमोशनल स्टेट दैट ऑकर्स व्हेन ए पर्सन्स जॉब सीम्स टू फुलफिल वन्स नीड। तो जॉब सेटिस्फेक्शन है हमारी पॉजिटिव इमोशनल स्टेट है, हमारी धनात्मक अवस्था है, संवेगात्मक अवस्था है, पॉजिटिव इमोशनल स्टेट है। वो कब आती है? जब हम, जब वो एम्प्लॉय, जब जॉब करने वाला व्यक्ति समझता है कि उसकी जॉब उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है, तब उसको जॉब सेटिस्फेक्शन कहते हैं। भाई जो हम जो कर रहे हैं, जिस काम के लिए हम कर रहे हैं, जिस आवश्यकता को लेकर हम कर रहे हैं, वो नीड हमारी फुलफिल होती हुई दिख रही है, इसका मतलब वो पॉजिटिव फीलिंग हमारे अंदर है, तो उसमें जॉब सेटिस्फेक्शन हमारे अंदर है। तो इट इज़ नॉट ऑलवेज रिलेटेड विद द मनी फैक्टर, बिकॉज सम पीपल ऑल्सो वर्क टू सेटिस्फाई दियर अर्स टू वर्क। तो मनी फैक्टर से ही जुड़ा नहीं है, उसमें बहुत सी बातें हैं कि बॉस का कैसा रिलेशनशिप है एम्प्लॉय के साथ, और कोवर्कर्स का कैसा रिलेशनशिप है, कैसा इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट है, क्या उसकी पे है, सारी बातें जॉब सेटिस्फेक्शन से जुड़ी हुई हैं। तो डिससेटिस्फेक्शन इन ए जॉब ऑकर्स ड्यू टू मैनी फैक्टर्स, लेट्स टेक देम अप वन बाय वन। तो डिससेटिस्फेक्शन जो होता है जॉब में वो क्यों होता है और क्या कारक है, उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग जॉब सेटिस्फेक्शन, दियर नंबर ऑफ फैक्टर्स विच इंफ्लुएंस वन जॉब सेटिस्फेक्शन इन द जॉब सिचुएशन, दे कैन बी कैटेगराइज अंडर टू ब्रॉड हेडिंग्स। सो इसका ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर है और पर्सनल फैक्टर है। ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स जैसे मैंने बात कर ली, ऑर्गेनाइजेशन में क्या फैक्टर है, बॉस का एटीट्यूड है और भी सब बातें हैं उसमें, कोवर्स का एटीट्यूड है, इन्वायरमेंट कैसा है आसपास का, और पर्सनल फैक्टर है कि हमारी नीड फुलफिल होती है कि नहीं होती है, या और भी जो बातें हैं उससे जुड़ी हुई हैं। तो ये जॉब सेटिस्फेक्शन से जुड़ी हुई बातें हैं, और तो यह भी एक विशेष और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का एक सबसे ज़्यादा अध्ययन किया और रिसर्च किया जाने वाला कॉन्सेप्ट है, और उसका काफ़ी महत्व भी है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के अंदर, किसी भी वर्कर के अंदर, एम्प्लॉयज के अंदर, जो भी किसी जॉब को करते हैं, चाहे वो किस भी लेवल में हो, लोअर लेवल में हो, हायर लेवल में हो, या मिड लेवल, किसी लेवल पर काम करते हैं, तो वो जॉब सेटिस्फेक्शन का होना काफ़ी आवश्यक होता है। नहीं तो उससे भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में तो उसका असर देखने को मिलता है, तो पर्सनल लाइफ में भी उसका असर देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मोनोटोनी क्या है, बोर्डम क्या है, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंस क्या है। तो मोनोटोनी क्या है, एक रास्ता क्या है भाई, काम करते करते एक रास्ता होने से क्या हो, काम में एक एक टाइप का काम होने से बार बार, अकॉर्डिंग टू हारेल मोनोटोनी स्टेट ऑफ माइंड कॉज बाय परफॉर्मिंग रिपीटेड टास्क, इट इम्प्लाइज नो इमोशनल डिसलाइक। जॉब एनलार्जमेंट मोस्टली कॉजेज मोनोटोनी, जॉब एनलार्जमेंट ओवरलोड्स द हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो एक ही काम को, रिपीटेटिव टास्क को बार बार करने से, और जो अवस्था हमारे दिमाग पैदा होती है उसको मोनोटोनी कहा जाता है, द
क्लर्क इन द बैंक, ए कंप्यूटर प्रोग्रामर एंड एन अकाउंटेंट, दी जॉब्स आर एग्जाम्पल फॉर जॉब एनलार्जमेंट. एम्प्लॉयज ऑफ दी जॉब्स परफॉर्म द सेम एक्टिविटी रिपीटेडली एंड हेंस एक्सपीरियंस मोनोटोनी. तो आप देखते हैं बैंकों में कि एक ही प्रकार का काम करते करते उन्हें ऊब भी आ जाती है, तो उस काम करना नहीं चाहते, चिड़चिड़ापन उनमें आ जाता है. तो मोनोटोनी उसका एक कारण है. तो उसका मोनोटोनी या एक रस रिपीटेटिव काम को करना, तो कारण उनको मोनोटोनी का एक्सपीरियंस करते हैं, उस बात से उस फीलिंग को एक्सपीरियंस करते हैं. मोनोटोनी दस ये स्टेट ऑफ माइंड और एटीट्यूड ऑफ अ वर्कर टुवर्ड्स हिज जॉब. मोनोटोनी इज कॉज्ड ड्यू टू परफॉर्म रिपीटेटिव टास्क. मोनोटोनी कॉज इवन इफ द वर्कर इज नॉट राइट मेंटली एंड और फिजिकली. मोनोटोनी का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति मेंटली या फिजिकली थक गया था भी है, नहीं. तो यह एक रिपीटेटिव टास्क को करने के बाद होने वाली अवस्था है हमारे व्यवहार की, हमारे मनस्थिति है ऐसी, जो एक काम को रिपीटेटिव वर्क को बार बार करने से होती है. और इसका मतलब ये नहीं है कि मोनोटोनी इज कॉज्ड इवन इफ द वर्कर इज नॉट टायर्ड. इसका मतलब ये नहीं कि कोई थक गया मानसिक शारीरिक तभी मोनोटोनी होगा. इसका मतलब है कि व्यक्ति एक काम बार बार करा इसलिए अंदर उसको मोनोटोनी भाव आ गया, एक रास्ता का भाव सुंदर आ गया. फॉर एग्जाम्पल, ए वर्कर वॉचिंग ए मशीन एट वर्क कंटिन्यूसली एंड डज नॉट कीप हिज माइंड फुली ऑक्यूपाइड एक्सपीरियंसेस मोनोटोनी. तो एक ही चीज़ को बार बार करने से उसका जरूरी नहीं है कि उसमें फिर उसमें बार बार उसमें ऑक्यूपाइड पाएगा, उसमें खोया हो पाएगा, काम में तल्लीनता मिलेगी, क्योंकि उसके अंदर मोनोटोनी का वो अनुभव कर रहा है उसमें. यह कहने का मतलब है उसका भी वर्क प्लेस में, ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन सेपरेट सेटअप में इसका प्रभाव है. इसलिए यहाँ पर इसको स्टडी किया है, पढ़ा भी जाता है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में. तो बोर्डम क्या है? एक रास्ता होना तो ठीक है, अब उसके क्या बोर्डम भी आ सकता है, ऊब भी आ सकती है. तो बोर्डम इज कॉज ड्यू टू लैक ऑफ इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड इन द जॉब. इंटरेस्ट ना होना और योग्यता का ना होना बोर्डम का कारण हो सकता है, ऊब का कारण. इट इज करेक्टराइज बाय डिप्रेशन एंड ए डिजाइन और चेंज ऑफ एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू जॉन ए किलेवी. बोर्डम इज टिंग्ड विद इमोशनल डिस्टेस्ट एंड इज एकम्पनीड बाई ए करस्पॉन्डिंग एटीट्यूडनल आउटलुक. बस बोर्डम इज हैवीली अफेक्टेड बाई फैक्टर लाइक पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट पैटर्न रादर देन डूइंग रिपीटेटिव वर्क. तो इनका कहना है कि जरूरी नहीं है कि रिपीटेटिव वर्क करने से ही बोर्डम आए. बोर्डम का कारण हो सकता है पर्सनैलिटी, वो किस प्रकार का व्यक्ति है, पर्सनालिटी है उसकी, एटीट्यूड कैसा है, एप्टीट्यूड कैसा है, हमारी योग्यता कैसी है, हमारा दृष्टिकोण कैसा है, हमारे इंटरेस्ट पैटर्न कैसे हैं, ये सब भी बोर्डम में कारक हैं. किलेवी साहब का मानना है, और बोर्डम इज अ डिजायर फॉर चेंज इन वर्क रादर देन फॉर अ रेस्ट और रिलीफ फ्रॉम वर्क. तो बोर्डम है, एक इच्छा है कि काम बदले. ठीक है, बोर्डम का साइन ये भी है कि हमारी बॉडी काम को बदलना चाहती है या व्यक्ति काम को बदलना चाहता है, नहीं कि बल्कि वो थक गया है, उसको आराम की आवश्यकता है, ये नहीं. तो रिपीटेटिव टास्क, लेस चैलेंजिंग जॉब्स, इनसिग्निफिकेंट जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, इनसिग्निफिकेंट जॉब फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कस्टमर्स एंड सोसाइटी एंड फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स ऑफ द एम्प्लॉयज कॉज बोर्डम. तो रिपीटेटिव टास्क का होना, लेस चैलेंजिंग जॉब का होना, जॉब एक सिमिलर होना, एक तरह का जॉब का उसका पैटर्न होना, वो भी बोर्डम पैदा करता है. इनसिग्निफिकेंट जॉब इन ऑर्गेनाइजेशन, उसकी कोई महत्ता न होना जॉब की, एक बोरिंग बस ये जॉब लगना हो. इनसिग्निफिकेंट जॉब फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कस्टमर्स के लिए इनसिग्निफिकेंट होना हुआ काम, सोसाइटी के लिए, फैमिली मेम्बर्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए, तो इन सबसे भी बोर्डम पैदा होता है. बोर्डम रिफर्स टू द सब्जेक्टिव आस्पेक्ट्स ऑफ फैटीग. इट इज हाईली स्पेसिफिक. द वर्कर एक्सपीरियंसिंग बोर्डम कैन द वर्क एफिशियंटली फिजिकली एंड मेंटली, बट ही हैज नॉट डिजायर और एप्टीट्यूड इंटरेस्ट टू डू द वर्क. तो ठीक है, तो ये सब बातें हैं. मोनोटोनी क्या है, बोर्डम क्या है, ये दोनों ही बातें इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का एक विशिष्ट मुद्दा है. इसका प्रभाव हम दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं. हम देख रहे हैं कि अभी वर्तमान में बैंकों का सब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो ये सब बातें सभी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी से ही जुड़ी हैं. इनका कैसे प्रभाव है हमारे जीवन में और कैसे इसमें प्रोडक्टिविटी, क्योंकि जो सरकारी हम सिस्टम देख रहे हैं, प्रोडक्टिविटी में कमी आ रही है, उत्थान भी नहीं हो रहा, न उससे
लोगों को ही लाभ है ना उस सिस्टम को लाभ है। तो उससे एक एक रास्ता होना जॉब में और उसका कुछ विशिष्टता न होना, तो ये सब बातें जो हैं। तो इससे बचने के लिए प्राइवेटाइजेशन का भी काम हो रहा है। तो ये सब बातें इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी से जुड़ी हुई हैं। इसका हमारे जीवन में, सोसाइटी में हम महत्व तो इसको देख सकते हैं दैनिक जीवन में। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स। क्या एक्सीडेंट्स भी हम हो जाते हैं इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, तो जिससे हानि हो उससे कैसे बचना है, क्या बात है, वो सब इसके अंदर पढ़ी जाती है, एम्प्लॉयज को सिखाई जाती है। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का पार्ट है। तो द एवर इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन, केमिकलाइजेशन एंड सोफिस्टिकेशन हैव मेड इंडस्ट्रीज मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स एंड इंट्रिकेट। ठीक है, तो ये सब बातें, मैकेनाइजेशन होना, इलेक्ट्रिफाइजेशन होना, केमिकलाइजेशन होना, तो इनसे क्या हो गया कि जॉब में रिस्क भी उतने बढ़ रहे हैं। किस रूप में? इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स को के रूप में। दिस हैज लेड टू इंक्रीज डेंजर्स टू ह्यूमन लाइफ एंड इंडस्ट्रीज थ्रू एक्सीडेंट एंड इंजरीज। तो एक्सीडेंट और इंजरीज का होना भी एक आम बात सी है इन सब बातों में। इनफैक्ट द सेम अंडरलाइंस द नीड फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी। इन अदर वर्ड्स, एक्सीडेंट इज एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट विच इज नीदर एंटिसिपेटेड नॉट डिजाइन टू ऑकर। दस एन एक्सीडेंट इज एन अनप्लान्ड एंड अनकंट्रोल्ड इवेंट इन विच एन एक्शन और रिएक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ए सब्सटेंस, ए पर्सन और ए रेडिएशन रिजल्ट इन पर्सनल इंजरी। तो किसी भी व्यक्ति का हो, किसी सब्सटेंस का हो, या रेडिएशन हो, या किसी मैकेनिज्म के माध्यम से होने वाला एक्सीडेंट हो, इंजरी हो व्यक्तियों को, अगर हो वो अनप्लान्ड होता है, अनकंट्रोल्ड होता है, तो उसको इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स की श्रेणी में लाया जाता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज कैन नॉट बी रिगार्डेड एज एक्सीडेंट्स। तो ठीक ही है। तो एन इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स मे बी डिफाइंड एज एन ऑकरेंस विच इंटरप्ट्स और इंटरफेयर्स विद द ऑर्डिनरी प्रोग्रेस ऑफ वर्क इन द इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट। तो इसके माध्यम से प्रोग्रेस भी बाधित होती है और लोगों का स्वास्थ्य और उनका फिजिकल मेंटल हेल्थ भी उससे बाधित होता है इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट से। अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, इट इज एन ऑकरेंस इन एन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट कॉजिंग बॉडीली इंजरी टू ए पर्सन विच मेक्स हिम अनफिट टू रिज्यूम हिज ड्यूटी इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। इन अदर वर्ड, इट इज एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट विच इज नीदर एंटिसिपेटेड नॉट डिजाइन टू ऑकर। इट इज ऑलवेज सडन और ग्रेजुअल प्रोसेस, डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन एक्सीडेंट। तो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स का होना, क्योंकि मैकेनिकल सब सेटअप है आजकल इंडस्ट्रीज में, इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, केमिकलाइजेशन है, तो उन सबसे से इंडस्ट्री एक्सीडेंट्स के खतरे भी बढ़ते हैं, से पर्सनल इंजरीज के खतरे हैं, चाहे व्यक्ति से हो, चाहे किसी मशीनरी से हो, या सब्सटेंसेस से हो, रेडिएशन से हो। तो इन एक्सीडेंट्स कैसे होते हैं और कैसे उनसे बचना चाहिए, ये सब बातें भी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का एक पार्ट है जिसको अध्ययन किया जाता है, किया जाना भी चाहिए। तो फाइनली अब हम जानते हैं कि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा अप्लाइड साइकोलॉजी यानी कि प्रयुक्त मनोविज्ञान या व्यवहारिक मनोविज्ञान के अंदर जो हम पढ़ेंगे, उस फोर्थ सेक्शन जो होगा वो होगा हेल्थ साइकोलॉजी एंड इलनेसेस। स्वास्थ्य मनोविज्ञान क्या है और व्याधियां यानी कि रोग क्या होते हैं, ठीक है। तो उनका हमारे स्वास्थ्य को, हमारी साइकोलॉजी को, हमारे मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करते हैं ये सब रोग, उसका भी एक व्यू हम देंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसको हेल्थ साइकोलॉजी का सब्जेक्ट माना जाता है। तो हमने जान दिया कि इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी यानी कि औद्योगिक मनोविज्ञान का जो मेन मेन पॉइंट्स हैं उनकी हमने बात की आज के इस लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे कि मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी क्या है, पेन क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, टाइप्स क्या है, थ्योरीज क्या है, स्ट्रेस एंड कोपिंग स्ट्रेटेजीज क्या होती है, कॉजेज एंड प्रिवेंशन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज क्या है, कैंसर क्या है, एचआईवी एड्स वगैरह, ये सब चीज़ें हेल्थ साइकोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके ऊपर एक ब्रीफ देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसी प्रकार के अन्य नॉलेजेबल लेक्चर्स के लिए हमसे जुड़े रहें, और अप्लाइड साइकोलॉजी के, प्रयुक्त मनोविज्ञान के अन्य लेक्चर्स के लिए अप्लाइड साइकोलॉजी नाम का जो प्लेलिस्ट है चैनल का, उसको विजिट करें
तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।